पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कहते हैं कि रिश्ता जब खून का हो तो वो लाख दूरियों के बावजूद भी समाप्त नहीं होता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है बिहार की राजनीति में भी। लगातार आपने देखा होगा जिस तरह से पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच एक बड़ा एपिसोड सामने आ गया था और दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए थे। अब इस चुनाव में जिस तरह से चिराग पासवान ने पिछले अपने 2-3 सालों के मेहनत के बाद भारतीय जनता पार्टी और NDA के भीतर अपनी पैठ बनाई है, उसके आधार पर उन्हें 5 सीटें दी गई है। वहीं पशुपति कुमार पारस टीम से ही आउट हो गए हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला था 2021 में, जब पशुपति कुमार पारस ने 6 में से 5 सांसद अपने पास लेकर के और ये दावा कर दिया था कि चिराग पासवान तो NDA का हिस्सा है ही नहीं। आज वही पशुपति कुमार पारस जो हैं वो कहीं ना कहीं NDA से बाहर हैं और कहीं के नहीं रहे। बिहार में चाचा भतीजा में सहमत का जो खेल जारी था अब उस पर धीरे धीरे विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन एक बार फिर से प्रिंस राज को लेकर के ये एपिसोड शुरू हो चुका है। पशुपति पारस ने भतीजा चिराग पासवान को गच्चा दिया था, तब उनके पास दूसरा भतीजा था, मगर अब ऐसा लग रहा है कि भतीजा पशुपति कुमार पारस को दूसरा वाला भी गच्चा दे दिया है। जिस BJP ने पशुपति कुमार पारस को सीट शेयरिंग में कोई स्थान नहीं दिया, उसने बिहार प्रभारी को लेकर के जिस तरह से प्रिंस राज की मुलाकात हुई उसे देख करके बहुत सारी बातें नज़र आ रही हैं। विनोद तावड़े के पास जाकर प्रिंस राज ने उन्हें होली की बधाई दी और प्रिंस राज समस्तीपुर से वर्तमान सांसद हैं, मगर वो पारस गुट में चले गए थे। सीट शेयरिंग में समस्तीपुर सीट चिराग पासवान के पास आ गई है। चिराग पासवान ने पहले ही कह दिया था कि जिसने धोखा दिया है उनको वो टिकट नहीं देंगे। तो क्या आगे की रणनीति प्रिंस राज और चिराग पासवान के साथ ऐसी ही रहेगी? हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत हद तक प्रयास किया कि परिवार में एका हो जाए, लेकिन चिराग पासवान ने जिस तरह से उन्हें झटका दिया गया था और ये इस एपिसोड में सभी को दोषी मानते हैं, वो चाहे वो भाजपा हो, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड हो या फिर उनके परिवार के सदस्य। चिराग पासवान ने कई मौक़ों पर जब उनसे इस एपिसोड पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दूसरे पर हम क्या दोष दें जब अपने परिवार के लोग ही परिवार के साथ नहीं रहना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि प्रिंस राज को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रिंस राज ने चिराग पासवान से माफ़ी मांगा है और जो गलती हुई उसे छोटा भाई समझकर माफ़ करने की बात भी कही है। हालांकि चिराग पासवान भी माफ़ करने की स्थिति में हैं, लेकिन इस शर्त पर नहीं कि उन्हें समस्तीपुर से या किसी भी जगह से एक बार फिर उम्मीदवार बनाया जाए। चिराग पासवान का मानना यह है कि जिस तरह से उन्होंने बीच रास्ते में छोड़कर परिवार के साथ साथ पार्टी को तोड़ा था, अब उन्हें इस बात का प्रमाणित भी करना पड़ेगा कि वो इस बार पूरे सच्चे मन और दिल से वापस आए हैं। आपको बता दें कि भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े से मुलाकात के बाद ये बातें चर्चा में तेज हो गई हैं और इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया अकाउंट पर डालकर प्रिंस राज ने ये बताने की कोशिश की है कि उनका रिश्ता अभी भी ठीक ठाक है। BJP प्रिंस राज को चिराग की पार्टी से टिकट दिलाने की कोशिश कर रही है। ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्या वो समस्तीपुर से LJPR के उम्मीदवार हो सकते हैं? ऐसा दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। जो हमारी जानकारी है उस जानकारी के अनुसार चिराग पासवान ने इस एपिसोड को पूरी तरह से क्लोज कर दिया है। बिहार BJP प्रभारी विनोद तावड़े से मुलाकात को लेकर के और फोटो शेयर करने को लेकर के कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस पूरे एपिसोड में कहीं ना कहीं जो मामला सामने आया है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है इस मुलाकात से कि एक बार फिर से प्रिंस राज अपना रिश्ता ठीक करना चाहते हैं। हालांकि चिराग पासवान ने लॉयल्टी साबित करने के लिए जो वक्त दिया है उस वक्त को देख करके कहीं ना कहीं अब लगता है कि जिस तरह से वो विनोद तावड़े से पैरवी कराने की कोशिश कर रहे हैं चिराग पासवान से, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि चिराग पासवान किसी भी तरह का कोई फैसला तत्कालिक नहीं लेना चाहते हैं। चिराग पासवान ने पहले ही साफ कर दिया है कि किसी भी बागी को वो टिकट नहीं देने जा रहे हैं। ऐसे में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि विनोद तावड़े के माध्यम से चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के साथ गए प्रिंस राज को एक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो साफ इशारा कर रही है कि कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं आपको एक बात और बता दें कि ये पूरा का पूरा एपिसोड
चिराग पासवान के हाथ में चला गया है। अब प्रिंस राज का क्या होगा, यह फैसला प्रिंस राज नहीं बल्कि चिराग पासवान को करना है। यदि पशुपति कुमार पारस के साथ छोड़ का साथ छोड़ करके अगर प्रिंस राज वापसी करते हैं तो उन्हें कुछ समय तक ये साबित करना होगा कि वो अब एक बार फिर से सच्चे दिल से माफ़ी मांग रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन इतना मान के चलिए कि विनोद तावड़े से मुलाकात के बाद प्रिंस राज ने जिस तरह का माहौल बनाया है वो साफ बता रहा है कि वो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।